गाइस संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। देसी चाउमीन बना रहा हूँ। दिल्ली जाओ, नॉर्थ साइड जाओ, ठेलों पर मिलती है देसी चाउमीन और वो बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में। आज जो मैं चाउमीन बना रहा हूँ, चाउमीन होती तो बहुत सिंपल है बनाने में, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो होता है कि जो वेजिटेबल्स होती है उसको कट करना पड़ता है, नूडल्स जब भी बनाओ तो वेजिटेबल्स कैसे कट करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने अपने हाका नूडल्स के भी वीडियो में बताया था, पर फिर से बता रहा हूँ कि वेजिटेबल्स कट कैसे करनी है। और साथ ही में नूडल्स जो होते हैं वो कई बार आप कंप्लेन करते हो, कमेंट्स में काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं कि नूडल्स कैसे बॉईल करते हैं परफेक्टली, कि वो सॉगी नहीं हो, टूटे नहीं। तो नूडल्स परफेक्टली कैसे बॉईल किए जाते हैं वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और फिर फटाफट बन जाती है ये एकदम देसी वेज चाउमीन, जो बहुत ही डिलिशियस लगती है। सबसे पहले वेजिटेबल्स कैसे कट करने देसी चाउमीन के लिए वो देख लेते हैं। एक प्याज को पील कर लीजिए। पील करने के बाद उसे दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। अब आधा हिस्सा ले लीजिए और ये जो रूट वाला हिस्सा है इसको आपको ट्रिम कर लेना है। तो प्याज को इस तरीके से प्लेस करके डायगोनली ऐसे कट करके इसका रूट निकाल दीजिए। अब प्याज को आपको इस डायरेक्शन में इस तरीके से स्लाइस करना है। तो प्याज को इस तरीके से स्लाइस कीजिए। प्याज के स्लाइसेस की जो थिकनेस है वो नूडल्स के बराबर में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से प्याज को कट किया है। प्याज को कट करने के बाद आपको इस तरीके से प्याज के जो स्लाइसेस हैं मिल जाएंगे, एकदम नूडल्स के बराबर हैं। प्याज को मैंने अभी इस तरीके से कट कर लिया है। नेक्स्ट अभी कैप्सिकम को कट कर लेते हैं। दो तरीके बता रहा हूँ। तो एक कैप्सिकम को लेकर उसका टॉप और बॉटम इस तरीके से कट कर लीजिए। फिर उसको इस तरीके से प्लेस करके आपको यहाँ पर एक स्लिट बनाना है। नाइफ से एक स्लिट बना लीजिए इस तरीके का। अब कैप्सिकम को इस तरीके से आपको रखना है और नाइफ को ऐसे इंसर्ट करना है। फिर नाइफ को पैरेलली रखना है अपने चॉपिंग बोर्ड से, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हुए आगे जाना है और कैप्सिकम को इस तरीके से खोलना है। इस प्रोसेस में आपको एक कैप्सिकम की स्ट्रिप मिल जाएगी और इसका जो कोर है वो निकल जाएगा। एक बार आपको एक कैप्सिकम की स्ट्रिप मिल जाए तो इसको 4 inches के सेगमेंट्स में इस तरीके से कट कर लीजिए। एक बार सेगमेंट्स आपने कट कर लिए हैं तो इसको इस तरीके से आपको स्लाइस करना है। इसके भी जो स्लाइसेस हैं, जो जूलियंस हैं, इसे जूलियंस कहते हैं, ये भी नूडल्स के बराबर में होने चाहिए। आपने नोट किया होगा कि कैप्सिकम का जो स्किन साइड है वो मैंने चॉपिंग बोर्ड की तरफ रखा है और उल्टी तरफ से काट रहा हूँ, इससे आसानी हो जाती है कैप्सिकम को कट करने में। तो आप देख सकते हो कैप्सिकम के जूलियंस आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर ये तरीका आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कैप्सिकम लेकर आपको इस तरीके से इसके साइड्स कट करने हैं। तो 4 sides इस तरीके से कट कर दीजिए, आपको ऐसे 4 segments मिल जाएंगे। इसका टॉप, बॉटम और कोर इस तरीके से निकल जाएगा। अब बस सेम तरीके से आपको कैप्सिकम को जूलियंस में कट कर लेना है। तो कैप्सिकम को हमने कट कर लिया है। दो तरीके बता दिए, जो आपको आसान लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। अब कैरेट कैसे कट करते हैं वो देख लेते हैं। एक गाजर को अच्छे से पील कर लीजिए, फिर इसका टॉप और बॉटम आपको इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। गाजर को फिर बीच में से इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। गाजर को भी दो तरीकों से कट कर सकते हो। पहला तरीका है कि नाइफ को डायगनली इस तरीके से आपको रखना है और इस तरीके से आपको कट लगाना है। अब कैरेट को ऐसे डायगनली आपको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना, तो आपको इस तरीके से स्लाइसेस मिल जाएंगे। फिर कैरेट के स्लाइसेस को आपको इस अरेंजमेंट में ऐसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख देना है। एक बार आपने ऐसी अरेंजमेंट बना दी है, फिर नाइफ से आपको सेम तरीके से नूडल्स की थिकनेस के हिसाब से कैरेट को भी कट कर लेना है और कैरेट के जूलियंस बना देने हैं। तो आपको इस तरीके से कैरेट के जूलियंस मिल जाएंगे। अब आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कैरेट को इस तरीके से रख दीजिए और फिर एक साइड से आपको इस तरीके से ये कट लगाना है और ये आपका जो है बेस बन जाएगा कैरेट का। इसको फिर चॉपिंग बोर्ड पर रख दीजिए, ये हिलेगा नहीं, आसानी हो जाएगी काटने में। अब आपको ऐसे लेंथ वाइज इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेने। एक बार आपने इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लिए हैं, इन कैरेट के स्लाइसेस को एक के ऊपर एक स्टैक कर लीजिए। स्टैक करने के बाद आपको फिर से इसको पतले पतले जूलियंस में कट कर लेना है। इनिशियली अगर पहली बार ऐसे कर रहे हो तो बस 2-3 ही स्लाइसेस को स्टैक कीजिए, आसानी हो जाएगी कट करने में। तो ये आप देख सकते हो जो कैरेट के भी जूलियंस हैं वो तैयार हो गए हैं। अब कैबेज को कैसे कट करना है। कैबेज ले लीजिए, फिर उसका ये वाला जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको ट्रिम कर लीजिए। अब कैबेज को इस तरीके से प्लेस करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आपको एक वी कट लगाकर अलग कर लेना है। ये एक बार आपने कर लिया, फिर ये जो कोर है आप देख रहे हैं, इस कोर को आपको इस तरीके से निकाल लेना है। ये जो कोर है और ट्रिमिंग्स हैं आप स्टॉक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे काटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब कैबेज को इस तरीके से प्लेस कीजिए और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दीजिए, काटने में आसानी हो जाती है। अब आपको एकदम पतला पतला, जितना पतला काट सकें उतने पतले पतले श्रेड्स में कैबेज को श्रेड कर लेना है, कट कर लेना है।
तो आप देख सकते हो किस तरीके से एकदम पतले पतले श्रेड्स मिल गए कैबेज को। कैबेज को इसी तरीके से कट कर लीजिए। अब स्प्रिंग अनियंस को कट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 स्प्रिंग अनियंस ले लिए हैं। अब ये जो लाइट और डार्क हिस्सा है जहाँ पर ये कलर मैच हो रहा है, इसको यहाँ से कट कर लीजिए 2 हिस्सों में। स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन्स हैं इनको अभी साइड पे रख देते हैं। पहले सफ़ेद वाले हिस्से को कट कर लेते हैं। सफ़ेद वाले हिस्से के इस पोर्शन को आपको ट्रिम कर लेना है। एक बार आपने इस पोर्शन को ट्रिम कर लिया है, अब इस तरीके से आपको इसके स्लाइसेस कट कर लेने हैं। आप देख सकते हो मैंने स्प्रिंग अनियंस के सफ़ेद हिस्से को कट कर लिया है। अब स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स को कट कर लेते हैं। तो ये अभी बहुत लंबा है, तो इसको बीच में से कट करके मैं इस तरीके से अलाइन कर रहा हूँ। आसानी हो जाती है काटने में। अभी आपको इसको पतला पतला जो है चॉप कर लेना है इस तरीके से। स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स काटते समय इंश्योर कीजिए कि आपकी जो नाइफ है उसमें धार हो, अच्छे से शार्प हो। आसानी होती है स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स कट करने में। तो आप देख सकते हो आपको इस तरीके से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स कट करने हैं। तो हमने सारी वेजिटेबल्स अभी कट कर ली हैं। आपने देखा मैंने आपको 2-3 तरीके भी बता दिए कोई कोई वेजिटेबल्स में। बहुत आसान होता है। आज तो मैंने शेफ्स नाइफ यूज़ की है, अभी मुझे आदत होगी यही नाइफ यूज़ करके कई सालों से। अगर आप घर पे नॉर्मल जो नाइफ है, जो हाउस होल्ड नाइफ होती है, यूटिलिटी नाइफ होती है, वो यूज़ करें, उससे भी सेम तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरीके से पतली पतली वेजिटेबल्स काटो जो नूडल्स के बराबर हो। तो आपने नोट किया होगा सारे नूडल्स के बराबर के विड्थ में और लेंथ में भी हम लोग ने इसको थोड़ा नूडल्स से रेप्लिकेट किया है कि जब भी आप नूडल्स खाएं, जब भी आप चाउमीन खाएं, तो ये भाजियां आपको बहुत अलग से, बहुत मोटी मोटी, कहीं पतली पतली वैसे नहीं लगे, तो चाउमीन खाने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से आपको वेजिटेबल्स कट करनी है। वेजिटेबल्स कट कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें नूडल्स को बॉइल करना है। नूडल्स बॉइल करते समय काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, सॉगी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एकदम हलवा बन जाता है कभी कभी नूडल्स का। नूडल्स को परफेक्टली बॉइल कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक बर्तन में पानी को एक रोरिंग बॉइल पे ले आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी अच्छे से बॉइल होना चाहिए। फिर इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। अब यहाँ पर 200 ग्राम नूडल्स यानी नूडल्स का एक पैकेट मैं ऐड कर रहा हूँ। नूडल्स ऐड करने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बस नूडल्स खुल जाएँ उतना ही पकाना है। लगभग 1 मिनट लगेगा, तब तक ही आपको गैस को फास्ट पे रखना है। एक बार नूडल्स इस तरीके से खुल जाएँ, इसको ढक्कन लगा दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। नूडल्स को अभी बस 2 मिनट के लिए, 2 से 2.5 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से ढके रखना है। क्या होगा, आपके जो नूडल्स हैं वो रिहाइड्रेट हो जाएंगे। ये डिहाइड्रेटेड नूडल्स होते हैं, तो जब गर्म पानी में रहेंगे ये रिहाइड्रेट हो जाएंगे। इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम घर पे यूजुअली क्या करते हैं, नूडल्स को बहुत ज़्यादा पका देते हैं, इसलिए वो सॉगी हो जाते हैं। इसे बस इतना ही टाइम चाहिए होता है, 3-4 मिनट चाहिए होते हैं रिहाइड्रेट होने के लिए, और नूडल्स आपके हमेशा एकदम परफेक्टली पकेंगे। अगर आप थोड़ी मोटे वैरायटी के नूडल्स यूज़ कर रहे हो तो उसको 3-4 मिनट के लिए रखना पड़ेगा आपको ढक के, नहीं तो थोड़े कच्चे रह जाएंगे। तो बस ये थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मेन टिप ये है कि नूडल्स को आपको बॉईल करते करते पकाना नहीं है कंटिन्यूसली। ये इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ। तो नूडल्स को मैंने 2 मिनट के लिए रेस्ट कर दिया, चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नूडल्स हमारे एकदम परफेक्टली बॉईल हो गए हैं, एकदम परफेक्टली रिहाइड्रेट हो गए। इन्हें निकाल कर एक छन्नी में डाल दीजिए। छन्नी में डालते ही इसको ठंडे पानी से अच्छे से रिंस कर लीजिए कि जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने इन्हें रिंस कर लिया है, इसके ऊपर अच्छे से 1-2 टेबलस्पून तेल डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि नूडल्स के ऊपर ऑयल लग जाए और ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो नूडल्स आपने देखे किस तरीके से बॉईल करने होते हैं। यूजुअली हम घर पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पका देते हैं, इसकी वजह से वो सॉगी हो जाते हैं। नूडल्स में हल्का सा स्ट्रेच रहना चाहिए, हल्का सा बाइट रहना चाहिए, तो ही नूडल्स अच्छे लगते हैं खाने में। उनमें थोड़ा सा टेक्सचर मेंटेन रहना चाहिए, तो बस रिहाइड्रेट करना होता है। इसी तरीके से नूडल्स बनाइए, कोई भी नूडल्स बना रहे एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब नेक्स्ट एक ही चीज़ बच गई है, तैयारी तो हमारी सारी हो गई है। चाउमीन कैसे बनाते हैं देखने। अब चाउमीन बनाते समय एक चीज़ जो होती है, जो फ्लेवर आता है ठेले पर जब खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके का एक वॉक यूज़ किया जाता है। अब ये चाइनीज़ वॉक है, एक कार्बन स्टील का वॉक है, ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा नहीं होता है और सालों साल चलता है। मेरा एक वॉक है जो मैं 15-20 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं छोटा था तभी मैंने वो लिया था, और आज दिन तक उसमें कई सारी रेसिपी शूट भी करता हूँ। तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा चाइनीज़ रेसिपीज़ घर पर बनाते हैं तो इस तरीके का एक वॉक रख लीजिए घर पर, और बहुत आसानी हो जाती है चाइनीज़ कुकिंग करने में। ये क्या है, बहुत पतली होती है और इसकी वजह से इसमें हीट बहुत जल्दी मिलती है। तो हाई फ्लेम पर जब कुकिंग करते हो तो एक अलग सा फ्लेवर जो है आपके नूडल्स में आ जाता है, फ्राइड राइस में आ जाता है, और वो बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। तो ये चीज़ है। बाकी ये रेसिपी सेम है, आप कोई फ्राई पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन वॉक यूज़ करेंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे। चाउमीन बनाते कैसे वो देखते हैं।
वॉक को अभी गैस पर रखकर एकदम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करके तेल को अच्छे से वॉक पर लगा लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड अदरक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, 2 स्लाइस की हरी मिर्ची डालकर अच्छे से सौते कर लीजिए लगभग 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज, कैरेट के जूलियंस, कैप्सिकम के जूलियंस, श्रेडेड कैबेज और 1 चुटकी शुगर डालकर 30 सेकेंड्स के लिए आपको टॉस करना है। और ध्यान देना है जितनी भी कुकिंग यहाँ पर हो रही है सब हाई फ्लेम पे हो रही है। सब्जियों को टॉस करने के बाद यहाँ पर 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद हिस्सा, बॉईल किए हुए नूडल्स, चुटकी भर वाइट पेपर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालकर आपको अच्छे से स्टर करना है या अच्छे से टॉस कर लेना है हाई फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। एक बार आपने अच्छे से सारी चीज़ें स्टर करके टॉस कर लिए हैं या आप देख सकते हो हमारी देसी वेज चाउमीन रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। सब्जियां कैसे काटनी है, नूडल्स कैसे बॉईल करने हैं और वेज चाउमीन कैसे बनानी है आपने देख लिया। बहुत डिलीशियस बनती है चाउमीन, बहुत आसान भी है बनाना। खाली जो है सब्जियों की तैयारी करनी पड़ती है, नूडल्स बॉईल करने पड़ते हैं, बन 3-4 मिनट में जाती है। तो जब भी बनाओगे ये वेज चाउमीन अपने घर पे, कमेंट्स में मुझे बताओ आपकी ये चाउमीन बनी कैसी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस वेज चाउमीन रेसिपी एट योर होम। Cheers.